एक बात बताओ, क्या तुमने सच में मुझे किडनैप करने के लिए कहा था? पर क्यों? ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब उस दलजीत की चाल है। वो जानबूझकर ये सब कर रहा ताकि हम दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो। बदला लेना चाहता है वो हमसे, और तुम उसकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो कितना फ्रॉड है, कितना झूठा है वो। हाँ माना कि वो झूठा है, लेकिन मैंने तुम्हें फोन किया था पार्वती बताने के लिए कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ। मैंने अपनी लोकेशन तक बताई तुम्हें, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। इवन संजय तक को नहीं पता कि मेरा किडनैप हो चुका है। क्यों नहीं बताया किसी को भी कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा संगीत अधूरा रह जाए, घर में आए हुए मेहमान बिना खाए चले जाए, शादी की खुशियाँ मातम में बदल जाए। मैं ये सब नहीं चाहती थी नीति। मैं नहीं चाहती थी कि लोग तुम्हें लेके तरह तरह की बातें करें, लोग कहें कि शादी की रस्मों में अपशगुन हो रहा है। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम्हारा किडनैप हुआ है तो वो 100 तरह की बातें करते। मुझे आइडिया था कि दलजीत ने तुम्हें किडनैप कर लिया और तुम्हें घर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। पर मैंने घर पे नॉर्मल बिहेव किया ताकि कोई पैनिक ना क्रिएट हो, और चुपचाप पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने।